मिस्टर प्रशांत कुमार, मिस्टर प्रशांत कुमार। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। हम अभी आपसे जनरल नॉलेज का सवाल पूछेंगे, उसका आप बिल्कुल सही जवाब देना। कलकत्ता की काली की जबान कितनी लंबी है? काशी विशाक्षी देवी की नथुनी की जितनी। बंगाल की खाड़ी में कितना पानी होता है? जंगल में जितना दलदल होता है उससे थोड़ा ज्यादा। हिंदी के 3 अक्षरों का नाम बताओ। कमीना, कमीना। हे मिस्टर, ये कैसे जवाब दे रहे हो तुम? आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका मैनेजर की नौकरी से कोई संबंध है क्या? हमें अपनी मर्जी का सवाल पूछने का पूरा हक है। हक नहीं, बेरोजगार लोगों का मजाक उड़ाने का घमंड है। आपके पहला सवाल पूछते ही समझ गया था ये नौकरी आपने किसी को बेच दी है। ये मत भूलिए कि आप लोग भी कभी बेरोजगार थे। गुड बाय। हेलो हेलो चाचा, आज प्रशांत बहुत ही खुश नजर आ रहा है। क्यों नहीं, इंटरव्यू में ऑफिसर लोगों को सुनाया होगा, उन लोगों ने इससे ऐसा कोई सवाल पूछा होगा। क्यों प्रशांत, इंटरव्यू में सब वही हुआ ना? वही तो होगा ना। आज के बाद इंटरव्यू में नहीं जाना चाहता। उन लोगों के पीछे जाकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं ऑटो चलाऊं और रोजगार कमाऊं। शाबाश बेटा। ऑटो महालक्ष्मी चलोगे? राजन तुम जाओ। सुनिए महाप्रभु, हम मानते हैं कि आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, लेकिन ऐसे 24 घंटे पेपर में घुसे रहेंगे तो आपकी सेहत का क्या होगा? मेरी इतनी अच्छी बीवी है तो मैं चिंता क्यों करूं? औरतों को पटाने में तो आप माहिर हो। अच्छा हुआ ये गुण आपके बेटे में नहीं आया। माँ, लगता है मेरा बेटा आ गया। इतनी देर तक काम करेगा तो थक जाएगा, थोड़ा जल्दी घर आ सकता है ना? माँ, मेरा कोई गवर्नमेंट जॉब थोड़ी है कि जल्दी घर आ जाऊँ। नहीं है, इसीलिए तो मैंने कहा। बेटा एक काम करो, जब खाना खाने का समय होता है तो ऑटो में बैठे पैसेंजर से कह देना कि मेरा समय हो गया है, खाना नहीं खाऊंगा तो माँ डांटेगी, फिर सारे पैसेंजर्स को वहीं छोड़ करके घर आ जाना तुम, ठीक है? हाँ, यही सिखाओ बेटे को। तू क्यों हंस रही है? भैया आपके साथ ऑटो में जो भी बैठा होगा ना उससे भी घर ले आइएगा, हम सब मिलके साथ में खाना खाएंगे। बिल्कुल सही, पैसेंजर्स को फ्री में खाना खिलाने वाला ऑटो ड्राइवर प्रशांत, ऐसा हेडलाइन लिखवा देता हूँ। हाँ, डालिए डालिए, बड़े जर्नलिस्ट हो ना, इतना पढ़ा लिखा बेटा ऑटो चला रहा है, इसके बारे में दुख नहीं होता है? अरे ये तो राजा है, मेरी तरह किसी का नौकर नहीं है ये, ही इज एन इंडिपेंडेंट मैन। बड़ी बड़ी डिग्री लेकर छोटी छोटी नौकरी के लिए रोड पर घूमने वालों से तो कितना अच्छा है ये, आई एम प्राउड ऑफ हिम। हाँ हाँ, आपसे तो और कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती। तुम नहा कर आ जाओ बेटा, खाना तैयार है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं माँ, 2 मिनट में आता हूँ। माय स्वीट मामा। हाँ, जल्दी आ। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? लड़कों के बेडरूम में खाट के नीचे से ताका झाकी? ओहो, इसका मतलब खाट के ऊपर से ताका झाकी करूं? ये बताओ मेरे बेडरूम में क्यों आई? मैं तो तुम्हें उठाने के लिए आई थी। वैसे होने वाली पति के बेडरूम में आई तो इसमें गलत क्या है? मैं तुम्हारा होने वाला पति? तुमसे ये किसने कहा? अच्छा ऐसा कहती हूँ कि तुम्हारी होने वाली बीवी। ये सपने में भी मत सोचना। पर मुझे तो सपने में भी यही आता है। मुझे अपने हाथों में उठाकर नीचे फेंक कर थप्पड़ मारा? हाँ। मर्द किसे मारता है पता है? जिसे अपना समझता है उसे। इसका मतलब मैं सिर्फ तुम्हारी ही हूँ और तुम मेरे होने वाले पति हो, समझे? और मैं तुम्हें प्यार से जानू कह के बुलाती हूँ। जानू जानू जानू, मुझे एक दो ना। ओ, क्यों नहीं? अरे ये नहीं, जो पति पत्नी को देता है वो। ए, चल निकल बाहर, बाहर निकल कहा ना। जो देना चाहिए था वो तो तुमने दिया ही नहीं, बाकी रह जाएगा। हट। जब तक तुम देते नहीं ना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। हाँ सुनिए जी, सुनिए ना। हाँ। खाना खा लीजिए, बच्चों को भी बुलाओ। अरे वाणी तुम कब आई? वो तो मैं। ये कब आई?
ये लड़की क्यों आई थी? क्यों आती है क्यों जाती है मुझे नहीं पता, तो मैं क्या बताऊं? अब चलो खाना खाते हैं। कहाँ जा रहे हो भैया? कहाँ क्या, सोसाइटी में। सोसाइटी कहाँ होती है, बाहर ना। रोटी फिल्म देखी हो, उसमें राजेश खन्ना कैसे थे, उस तरह सुपरहिट फिल्म शोले के धर्मेंद्र की तरह, गंगा जमुना सरस्वती के अमिताभ बच्चन की तरह। जितने भी लोग यहाँ मुसीबत में हैं, वो सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। भैया आप ये पागलपन कब छोड़ोगे? पागलपन क्या बहना, माँ बाप ने मेरा नाम त्यागराज रखा है, उसमें से राज हटा के मैंने त्याग रख लिया है, और त्याग नाम रोशन करने के लिए मुझे त्याग करना ही पड़ेगा। मुझे बहुत देर हो गई है, मुझे जाना होगा। अरे भैया का पागलपन कब जाएगा पता नहीं। ओ माई कंट्री, भारत देश का बच्चा ऐसे तकलीफ उठा रहा है, मैं नहीं देख सकता। ए भाई, तुझे शर्माती है कि नहीं, इतने छोटे मासूम बच्चे से तुम काम करवा रहे हो। हटो बच्चे, मैं करता हूं। हेलो, हवा ज्यादा होने की वजह से तुम्हारे साइकिल का ट्यूब फट गया है। मेरी साइकिल का ट्यूब नहीं फटा है, तुम्हारा ट्यूब फटा है। हा? हीरो को देख रही हूँ, जरा देखो तो उसे, कितना हैंसम है, सुंदर है, मन को मोहने वाला है। बस कर, सुन, वो मेरा जानू है और उसकी ऑटो मेरी प्रॉपर्टी है, तू उसे ऐसी गंदी नजर से मत देख। तेरा पति कैंप गया है ना, आने दे उसे। अरे सिर्फ देख ही तो रही हूँ, इतना क्या बोल रही है ये। हाय जानू। जानू ऑटो धो रहे हो क्या? नहीं, भैंस को नहला रहा हूँ। दोनों भाई बहन एक जैसे हैं। वो सब छोड़ो, तुम ऐसे कपड़े पहनोगे तो सबके नजर तुम पर ही पड़ेगी ना, नजर लग जाएगी, सबकी नजर अच्छी नहीं होती। तुम पर सिर्फ मेरी नजरें होंगी, हम दोनों शादी कर लेते हैं। ए, क्या हो गया तुम्हें? तुम ऑटो धोते हुए कितने हैंडसम दिखते हो पता है? शुरू कर दी अपनी बकबक, अब तुम्हारे मुंह पे ब्रेक लगाना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हो रही है, ऑयल नहीं चेंज किया? मैं अपना ऑयल बदल दूंगा, तुम जाओ। मेरे उधारी चुका दो, मैं चली जाऊंगी। बाकी देता हूं। ये लो। तुम्हें ना। अरे बारिश आ रही है लगता है। रेखा, छत पे कपड़े सूखने उठा लाओ। बारिश नहीं आंटी, आपके बेटे ने भिगा दिया मुझे। और कितने दिनों तक एक दूसरे को सताओगे, शादी क्यों नहीं कर लेते? वैसे अपने बेटे को ये ऑर्डर दे दो। मैं उससे क्या बोलूं, जो भी है तुम दोनों आपस में ही बात करो। आप तो बस देख लेना, सबके सामने आपके बेटे से आई लव यू बुलवा कर ही उसके बाद शादी करूंगी। हाय। हाय प्रशांत। हाय डेविड, बहुत दिन हो गए तुम्हें मिले, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मैं भी और मेरा ऑटो भी। अच्छा, तुम अभी भी वही धंधा कर रहे हो? तुम क्या जिंदगी भर ऐसे ही ऑटो चलाते रहोगे क्या? अरे तुम्हारे पास इतना दिमाग है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मेरे साथ चलो, तुम्हें राजा वाले जिंदगी दिखाता हूँ। थैंक्स। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, ईमानदारी से कमाना बड़ी बात है। मुझे ऐसे ही रहने दो भाई। कॉलेज के जमाने वाली आदत तुम्हारी अभी भी नहीं गई, इसीलिए तुम्हारी फ्रेंडशिप भूल नहीं पाया। ऑटो लोकन वाला चलोगे क्या? हाँ बैठिए, मैं चलता हूँ। एनी प्रॉब्लम प्लीज कम। ओके।
हमारे भारत देश में ऑटो चलाने वाले मजदूर लोग, जब भी तुम लोगों के साथ अन्याय होता है, तुम लोग नाकाबंदी करके, रोड जाम करके अपनी समस्या का समाधान कर लेते हो। ऐसे ही तुम्हारी बहन जैसी मैं, जिसके साथ अन्याय हुआ है, आप लोग चुप बैठेंगे? बोलिए। चुप नहीं रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे। हुआ क्या है बताओ तो बेटी। एक लड़का एक लड़की से प्यार करके, उससे शादी का वादा करके, उसे सपने दिखाता है और कहता है कि अब वो नहीं करेगा। अब उस लड़की की क्या हालत होगी? नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उस लड़की के प्यार के लिए उसे एक मजबूत सपोर्ट चाहिए। इसलिए तुम सबको मिलकर उस लड़के से आई लव यू बुलवा कर शादी के लिए राजी करना है। वो लड़की कौन है ये तो बताओ। मैं हूँ। फिर वो लड़का कौन है? आप सब उसे जानते हो प्रशांत। देखो वो आ रहा है। क्यों अबे, तू ये काम कब से कर रहा है? मैंने क्या किया? क्या किया पूछ रहे हो? एक लड़की के साथ प्यार का नाटक करके उसे धोखा दे रहे हो? धोखा? मैं? हाँ हाँ तुम। अब तुम्हें हम सबके सामने उस लड़की को आई लव यू बोलना पड़ेगा। अच्छा तो वो लड़की कौन है? मैं हूँ। तुम हो? अच्छा, अब तुम सबके सामने उस लड़की को आई लव यू कहना है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ तो ठीक है, ठीक है, बोल देता हूँ। मगर मुझे इस लड़की को कुछ देना है, चाहो तो उससे पूछ लो। क्यों बेटी? सही कहा। हाँ तो फिर चलो, पहले उसका उधारी चुका देते हैं, उसके बाद जो कहोगे करूंगा। आ जाओ। तुमको मैं देता हूँ, आ जाओ, आ जाओ। क्या कहा? यहाँ उधारी चुकानी है, जहाँ चाहूँ जब चाहूँ चुका सकता हूँ। आ जाओ, आओ ना। आ, आ। वो तुम बाद में दे सकते हो, पहले ये लोग जो कह रहे वो बोल दो। वो देकर बता देता हूँ। आज नहीं, आज नो। एक मेरे साथ गेम खेल रही थी, इसीलिए मैंने भी उल्टा ही नाटक खेल दिया। Yes, come in. Good morning, sir. Very good morning. बैठिए। Any hot news? Yes, sir. कुछ दिन पहले by election हुआ था, उसमें MLA बने थे ना, कनाट पेनेचेलिया, उनकी की हुई रैगिंग, गुंडागर्दी, लिफ्टिंग अप बैलेट बॉक्सेस, उन सब का मैंने फोटोज के साथ सबूत इकट्ठा किया है, जरा देखिए। राजशेखर जी, इतने सीनियर जर्नलिस्ट होने के बाद भी अगर ये कॉम्प्लिकेशन नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा? वो MLA कल के दिन मंत्री बनेगा, उसके बाद वो बेकार में तकलीफ हमें देगा, ऐसे काम करने से हमें क्या फायदा? मतलब पॉलिटिकल प्रेशर से डरकर सच को जनता के सामने नहीं लाना चाहते? आई एम सॉरी सर। करेक्ट है, पहले भूमाफियाओं के बारे में आपने जो आर्टिकल लिखे थे उसे हमने पेपर में छापा था, उसके बाद क्या हुआ था पता है ना? उन लोगों ने आकर हमारे प्रेस को तोड़ फोड़ दिया था, इसकी वजह से हमारा प्रेस 2 दिन तक बंद था। अगर किसी ने हमारे साथ कुछ किया और उसके डर से हम अपनी ड्यूटी और ईमानदारी को छोड़ देंगे तो ये पत्रकारिता के साथ धोखा होगा सर। इसका मतलब आप जिद नहीं छोड़ेंगे। इतना ही नहीं, एक और सेंसेशनल न्यूज बना रहा हूं सर, बस सबूत इकट्ठा कर रहा हूं। किसके बारे में? जल्द ही आपको पता चल जाएगा। हाय जानू, तुम ऑटो स्टैंड पर कुछ उधारी चुकाने वाली बात कर रहे थे। हाँ तो अब क्या है? अभी दे दो। आओ, आओ, आओ ना, आओ, आओ। एक छोटी सी शर्त है, अपनी आंखें बंद करके 2 कदम पीछे जाकर वापस आकर मुझे पकड़ो। सिर्फ 2 कदम? यस। हाँ, उल्लू बना रहे हो ना, अगर मैंने आंखें बंद कर दी तो भाग जाओगे तुम। चीची, नहीं भागूंगा, प्रॉमिस। ओके, वैसे शादी में तुम्हारे साथ 7 फेरे लेने वाली हूँ, तो उसकी रिहर्सल के लिए, तुम्हारे प्यार के लिए 2 कदम तो चल ही सकती हूँ। रेडी, कम ऑन, रेडी। आ रही हूँ। आ जा। आ रही हूँ, आ रही हूँ। आ जा। आ, 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 माँ। वाणी, क्या हुआ बेटा? कहा कुछ नहीं आंटी, वो तो बस स्लिप हो गई है। उई माँ।
धर्म कीजिए महाप्रभु, धर्म कीजिए महाप्रभु। अरे कुछ काम करो, काम क्यों नहीं करते? अरे ये भी तो काम है। चल चल। ओ माय पुअर कंट्री, हमारे देश में महंगाई इतनी बढ़ रही है कि देखो जवान लोगों को भीख मांग के गुजारा करना पड़ रहा है। कुछ दे दे बाबा, दो दिन हो गए खाना नहीं खाया, 10 रुपए दे दीजिए। सिर्फ 10 रुपए? 10 रुपए में क्या मिलेगा? देखो भाई महंगाई आज कितनी बढ़ गई है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। आप सचमुच बहुत दयालु हैं। ऐसा खाना खाए मुझे कई दिन हो गए थे। थैंक यू। अतिथि देवो भव, शास्त्र में ऐसा कहा गया है, मतलब तुम मेरे लिए भगवान के समान हो। आज रात को तुम यहीं पर सो जाओ, कल सुबह सुबह नाश्ता करके चले जाना। रहने दीजिए साहब। अरे कुछ नहीं, आओ सो जाओ। मालिक, मालिक। हाँ मालिक। मेरे कपड़े, मेरी अंगूठी, मेरी चेन, अरे बाप रे, मेरी लुंगी, अरे रे रे, अरे अरे मेरी टीवी, अरे बाप रे, टेप रिकॉर्डर, मैं क्या करूं, अरे बाप रे, ये क्या हो गया, हे भगवान। मालिक, मालिक दरवाजा खोलिए। उसे क्यों दबा रही हो? हाय, मेरा प्यार तुम्हारे दिल तक पहुंच नहीं पा रहा है ना। देखो मिस्टर, आज पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो गलत मत सोचना, आज पूरा दिन शाम होने तक तुम्हें मैं अपने साथ रख लूंगी। मैं क्या तुम्हें दूध पीने वाला बच्चा लगता हूँ जो मुझे तुम अपने साथ रखोगी? जानू, शर्त लगा लो, तुम जीते तो मैं एक दूंगी, अगर मैं जीती तो तुम्हें उधारी चुकानी होगी। शर्त? शर्त। ऑटो। नीचे उतर। इज्जत से बात करो, मैं अभी पैसेंजर हूँ, मुझसे रिस्पेक्ट से बात करना तुम्हारी ड्यूटी है। चलो। कहाँ जाना है? नेशनल पार्क, जुहू बीच, आक्सा बीच, बैंड स्टैंड, पाली हिल्स, लोखंडवाला। वहाँ क्या काम है? ज्यादा सवाल मत करो, बस चलो। सुबह सुबह कैसा ग्राहक मिल गया। अभी आधा घंटा बाकी है, अगर कहीं तुम हार गए तो तुम्हें पता है ना क्या करना है। वाणी तुम जीत गई, आई लव यू। यानी कि तुम मानते हो कि तुम हार गए, तो अब मेरा कर्जा चुका दो।
सुंदरी ओ सुंदरी ओ सुंदरी ओ सुंदरी ओ सुंदरी आंचल लहराया दिल तुम पे आया खुद को छुपाओगी जान गई तेरी चालाकी दे दे तू मुझे दिल में अब जगह ना 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 जी ना तू बदल ले रास्ता प्यार मुझे प्यार करो थोड़ा इंतजार करो होगा अब इंतजार क्या भला ओ सुंदरी को क्या मैं समझाऊं बातें ना बना दिल को ना बहका आशिक हूं तेरा मुझको ना तड़पा यूं ना बेकरार करो मेरा इंसाफ करो कुछ दिन और संभालो दिल जरा ओ सुंदरा ओ सुंदरी सुंदरी मैं तेरी परछाई तू है मेरा साया ओ सुंदरी ओ सुंदरी ओ सुंदरी ओ सुंदरी टाइम हो गया यानी मैं जीत गई ये जानू जानू तुम कौन हो प्रशांत कहाँ है भाई एक घंटे पहले चले गए हैं अब आप इस ऑटो से चलिए ये तुमने क्या कर दिया जानू छे नहीं 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 ऐसा मत कीजिए नहीं नहीं हेलो पुलिस स्टेशन देखिए रिपोर्ट देते ही आपका काम हो गया ऐसा मत समझिए मैं जब भी आपको पुलिस स्टेशन या कोर्ट में बुलाऊंगा तो आपको आना होगा
मैं जितनी बार भी आपको बुलाऊंगा आपको आना होगा। उसके लिए आप तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ। आई एम अ जर्नलिस्ट। ओके ओके। आप जैसे सिंसियरली रिपोर्ट लिखाने वाले होंगे तो हमें हर रोज 100 केसेस रजिस्टर करने पड़ेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? वहाँ खून होते हुए इतने लोगों ने देखा है, वहाँ किसी को नहीं पड़ी है तो आपको क्यों पड़ी है? खून होना तो आजकल मामूली बात हो गई है साहब, आप क्यों तकलीफ उठाते हैं? आप चुपचाप अपने घर जाइए। ये क्या कह रहे हैं आप? गोपाल कृष्ण जैसे सीनियर फ्रीडम फाइटर की हत्या हुई और आपको मामूली लग रहा है? मगर हत्या किसने करवाई है? लक्ष्मण ने। वो कौन है? MLA, MP या मिनिस्टर है? बोलिए। अरे वो MLA नहीं है, MP नहीं है और मिनिस्टर भी नहीं है। इन सबको तैयार करने वाला अंडरवर्ल्ड किंग, आपको पता है? जानता हूँ। ये जानते हुए भी आप कंप्लेंट लिखाने के लिए आए हो? सर, श्रीनगर कॉलोनी में चोरी करते वक्त इसे पकड़ा है मैंने। चोरी करता रस्कल? इसे अंदर डालकर इसकी हड्डियां तोड़कर सस्ता चुगलवाओ। ठीक है सर। आप बताइए, कंप्लेंट विड्रॉ कर रहे हैं या नहीं? नहीं, आंखों के सामने इतना कुछ हो रहा है लेकिन हमें लगता है कि हमें क्या लेना देना, इसलिए इतनी गुंडागर्दी बढ़ रही है। उसे रोकने के लिए आप एक केस रजिस्टर कीजिए प्लीज। हाँ, नहीं किया तो? इस केस को ऊपर कैसे ले जाना है मैं जानता हूँ। अगर हो सका तो तुम्हारे बारे में और लक्ष्मण के बारे में पेपर में लिखूंगा, पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिलाऊंगा। बताइए, केस रजिस्टर करेंगे या नहीं? रेडी? सर, FIR लिख लो। ओके सर। थैंक यू। ए प्रशांत, तुझे एक बात का पता है? तेरे पिताजी को पुलिस वाले अवार्ड दे रहे हैं। क्या पापा, ये सच है? जोक कर रही है तुम्हारी माँ। और नहीं तो क्या, तुम्हें हर बात पुलिस को जाके बताने से क्या मिलता है? अरे मुझे क्या करना है, कोई और सोचेगा तो कैसे चलेगा भाई? हाँ हाँ, दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सब पेपर में छपता है ना? या सब तुम्हारी तरह पुलिस को बताते हैं? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? पापा ने जो किया उसमें गलत क्या है? उनके सामने जो कुछ हुआ वही जाकर पुलिस वालों को बता दिया, सही तो है? ठीक, ऐसे समझाओ अपनी माँ को। वही तो बात है ना, आपकी ईमानदारी और इसका सपोर्ट दोनों एक जैसे हैं। माँ, पापा को कब से बोल के थक गए कि पापा पानी पी लो, पर ये है कि सुनते ही नहीं है। बस तेरी कमी थी। मैंने जो कुछ भी कहा याद है ना तुम्हें? अगर वैसे ही किया ना तो तुम्हें चॉकलेट दूंगी। देखो अंकल आ रहे हैं, जाओ जाओ। अंकल अंकल। यस। आप सुपर हीरो जैसे हो। ओहो, तुम भी मिनी सुपर हीरोइन जैसी हो। मुझे एक पप्पी दो ना। एक क्या, चार दूंगा। ऐसे नहीं, आंख बंद करके। ओहो ठीक है, आंखें बंद कर लेता हूँ। अब तुम मुझे पप्पी दे सकती हो। तुम? हे भगवान, मेरा सारा प्लान फ्लॉप हो गया। तो ये तुम्हारा प्लान था? जानू, आज तुम मेरी उधारी चुका दोगे ऐसा सोचा था मैंने, पर सब गड़बड़ हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला मेरी छम्मक छल्लो। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। आंटी बॉल। हाँ बॉल। बॉल? हाँ, तुम्हारी बॉल की तो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं कम इन सर। कम इन सर। माफिया लीडर लक्ष्मण के बारे में फुल डिटेल्स कवर किया है सर। तुम कुछ भी बोलो, लक्ष्मण का मैटर मैं पेपर में नहीं छपने दूंगा। ओके, मगर एक बात याद रखिएगा, देश में ईमानदारी से सच को छापने वाले प्रेस बहुत सारे हैं। I will see to you this matter published in all other papers. तुम्हें जो करना है अपने हिसाब से करो। लक्ष्मण, राजकोंडा लक्ष्मण, तेरा पति मेरे बारे में लिखकर उसकी फाइल तैयार कर रहा है, वो लाकर दे दे। कौन सी फाइल, मुझे नहीं पता। हाँ देख, तू इतना मासूम चेहरा मत बना,
अच्छा तेरे मुंह में उंगली रखूंगा तो तू काटेगी ना? मैं क्या तुझे कोई बेवकूफ दिखाई दे रहा हूँ? बेटी है, अच्छी है, बेचारी। अब अगर तूने जल्द से जल्द वो फाइल मुझे नहीं दी तो मैं तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। सच में मुझे कुछ नहीं पता, मैं किसी फाइल के बारे में नहीं जानती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। हाँ? हाँ? ए, घंटी बज रही है, शायद इसका हस्बैंड आया है। घर के बाहर इतनी कार खड़ी है, क्या चल रहा है? सुनिए जी, वो लोग। तुम ऐसे क्यों डर रही हो? वो लोग। कौन से लोग? वहाँ देखो। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम? हेलो, तुम? हाँ भाई, मैं ही हूँ। मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। मेरे बारे में गलत लिखने की कोई हिम्मत नहीं करता है, लेकिन तुम तो लिखकर पेपर में छापने वाले हो। अरे भैया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे बदनाम करोगे, ये मेरे साथ अन्याय होगा ना? एक इंसान की भरे बाजार में हत्या कर दी, वो अन्याय नहीं था क्या? अरे भाई, तुम्हें इतना क्यों बुरा लग रहा है? जो मरा वो मेरा दुश्मन था। जानते हो, मेरे गलत कामों की तस्वीर निकालकर कह रहा था कि मैं पार्लियामेंट में दिखाऊंगा, तो मैंने कहा भैया मेरी तस्वीर तुम मुझे चुपचाप वापस कर दो। उसने कहा ना, तो मैंने उसकी हत्या करवा दी। अच्छा सुनो, जो मरा उसके सारे अपने चुप हैं, जिसने उसकी हत्या की वो भी चुप है। ये बीच में तुम्हारे पति को क्यों दर्द हो रहा है? शट अप! तुमने अब तक जो जो किया वो सारे सबूत मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, वो फाइल मैं अखबार को दूंगा। पुलिस और गवर्नमेंट तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती है ना, लेकिन जनता तो तुम्हें सबक सिखा सकती है। अरे देखो ये क्या कह रहा है? Hey! दुश्मन के सामने जो बातें नहीं करनी चाहिए वो ये कर रहा है। तुम्हें पता है ऐसे लोगों का क्या होता है? वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलते हैं। मेरी फाइल मुझे दे दो। दूंगा। तेरे जैसे नीच का पोल खोले बिना मैं चैन से नहीं सोऊंगा। अरे आप रोइए मत, अगर कोई औरत मेरी आंखों के सामने रोता है तो मेरा दिल धक 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 करता है। इस रोती हुई औरत से मैं कैसे फाइल मांग सकता हूँ? जाओ ढूंढ कर लाओ। सुनिए ना पापा, ठीक है ना? भाई, फाइल मिल गई। अरे बाप रे, सच में इसके पास बहुत दिमाग है, इसने मेरी बहुत बड़ी फाइल तैयार की है। टाइम क्या हुआ है? 7:30 बज गए हैं, बुरा वक्त निकल गया इसलिए फाइल मिल गई। चलता हूँ भाई। सॉरी भाई, इस फाइल को तो मैं लेकर जा रहा हूँ, लेकिन सारा मैटर तो तुम्हारे दिमाग में अब भी है। अगर वो लीक हुआ तो मेरा पोजीशन वीक हो जाएगा। अब तो मैं तुम्हारा दिमाग ही लेकर जाऊंगा। नहीं, रुक जाइए, उन्हें मत मारिए, उनसे गलती हो गई, आगे से नहीं होगा, माफ कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें मत मारिए। रुको, ए हवलदार। सर, वो फल बेचने वाला अभी फल क्यों नहीं बेच रहा है? छोड़ दिया है क्या उसने? कल से फल लगाने को बोलो उसको, वरना मैं उसका परमिट कैंसिल करवा दूंगा। ओके सर।
हाँ बोलो, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? सर मेरे फादर के मर्डर के बारे में। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। अरे राम भाई, नमस्ते नमस्ते। भाई ने पैसा भेजा है। किस लिए? मुझे नहीं पता, आपको शाम को घर बुलाया, चलता हूँ। अरे चाय तो पी के जाओ। ये चाय पीने का टाइम है क्या? हाँ बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? वो सर मेरे फादर के मर्डर केस। हेलो, हाँ बोलो। पार्टी 15 मिनट में, 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओके सर, आप मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं बाहर जा रहा हूँ, यहाँ का ध्यान रखना। रुकिए सर, इंस्पेक्टर मैं यहाँ एक घंटे से बैठा हूँ, मेरे फादर के मर्डर केस का क्या हुआ? फादर के डेथ की FIR लिखवा दो, इंक्वायरी के बाद इन्फॉर्म कर देंगे। ओके इडियट। क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे हैं इंक्वायरी करके एक्शन लेंगे। हमारा दुख वो क्या समझे, उनके लिए तो ये रूटीन काम है। माँ को तुम्हें देखकर हिम्मत मिलेगी, पर तुम ही ऐसे हिम्मत हारोगे तो। माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया, जरा देखो। तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए बेटा, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमें इस तरह से अकेले छोड़कर चले गए, अब हम किसके सहारे जिएंगे? माँ चलो थोड़ा सा खाना खा लो मेरी खातिर। माँ वो आदमी आगे आगे पैसों का बैग लेके भाग के आ रहा है, इसका मतलब वो पक्का चोर है। और जो पीछा कर रहे हैं ये बैग उन्हीं का है, और वो चोर से बैग वापस लेना चाहते हैं। मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने का गोल्डन चांस है। आ जाओ, ये लो बैग। अरे मेरा पैसा, मेरा बैग। चोर कहीं के? चोरी करने के साथ साथ झूठ भी बोलते हो, ऐसा लगता है पिटाई से पेट नहीं भरा। पुलिस स्टेशन लेके जाता हूँ, तुम्हें लाठियों से पीटेंगे वो। पुलिस पुलिस। आज तक मैंने देखा कि चोर चोरी करके भागता है तो पैसों का मालिक उसके पीछे चिल्लाता है, पकड़ो पकड़ो। यहाँ पैसों का मालिक आगे आगे भाग रहा है और चोर कह रहा है कि पकड़ो पकड़ो। मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा कभी होगा। हे इंस्पेक्टर साहब, तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ, समाज सेवा करने वाले को भी पुलिस पकड़ती है, ऐसा मैंने पहली बार देखा। बस करो। हाय जानू, तुम यहाँ? भैया को तो तुम जानते ही हो ना। मे आई हेल्प यू? हाँ भैया, आप जाइए, मैं प्रशांत के साथ आ जाऊंगी। हाँ जाओ जाओ, तुम साथ रहोगी तो मैं समाज सेवा नहीं कर पाऊंगा। हेलो, मे आई हेल्प यू? ये क्या सर, केस बनाए हुए 1 हफ्ता हो गया और आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, हत्यारों को जानने के बाद भी अरेस्ट नहीं किया? किसे अरेस्ट करना है? लक्ष्मण को। लक्ष्मण को? राजकोंडा लक्ष्मण को? कोई सबूत है क्या? मेरी माँ ने अपनी आंखों से देखा है। आहा, तुम्हारी माँ बहन जिसे बोलेगी उसे अरेस्ट करना है क्या? फिर तो इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं है। निकल यहाँ से। हत्या करते हुए कई लोगों ने देखा है। अगर वो लोग वहीं पर थे तो उन लोगों ने नहीं मारा उसकी क्या गारंटी है? इस केस को कमजोर करने के लिए यकीनन आपने लक्ष्मण से घूस खाई है। Don't talk rubbish. देखो मिस्टर, पुलिस का मतलब घमंड नहीं होता, सुरक्षा होता है, सच्चाई का पता लगाकर न्याय का साथ देना होता है। तेरा भाषण सुनने के लिए हम खाकी पहनकर नहीं बैठे हैं। ऐसा ही सर, आप बेकार में ही। तुम बीच में क्यों बोल रही हो? तुम्हारा काम हो गया ना, चल निकल यहाँ से, जाओ। बेकार लोगों को भी जवाब देना पड़ता है मुझे, निकल। इंस्पेक्टर, माइंड योर लैंग्वेज, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। ये मेरी होने वाली बीवी है। मिस्टर SI, लक्ष्मण की जूठन खाने वाले तुम जैसे लोग जब तक पुलिस डिपार्टमेंट में है तब तक पुलिस यूं ही बदनाम होती रहेगी। तो अकेला इस डिपार्टमेंट में नहीं है, तेरे ऊपर और भी पुलिस वाले हैं, उन लोगों के सामने तेरी कुंडली खोल दूंगा, याद रखना।
क्या चाहिए जी? खाने में क्या है सर? सर मुझे इडली वड़ा, डोसा है, भजिया, उत्तपम और दाल वड़ा भी है। और गर्म क्या है? पूरी भाजी भी है, मैसूर भाजी भी है। और गर्म क्या है? अंगार है और उसके ऊपर गर्म कढ़ाई है। बस इतना ही और कुछ नहीं है क्या आपके होटल में गर्म? है ना, मेरा ब्रेन आपकी बातों से पककर रोस्ट हो गया है। तो वही लेकर आओ। सर आप तो कुछ बोलिए ना सर। क्यों उसका दिमाग खा रहे हो? तुम जाओ जाकर दो आइसक्रीम ले आओ। सर फाइनली तुम इस दुनिया में लौट के आए। नहीं आता तो इसे दूसरी दुनिया में भेज देती तुम। तो और क्या करूं, तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती थी पर तुम तो मुंह लटका कर बैठे हो। थैंक्स किस बात का? अभी तुमने कहा कि मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूं इसलिए थैंक्स जानू। तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए प्यार है उसके लिए मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहती हूँ कुछ। चली ओए रामा, प्यार के खेल गले ओए रामा, ठंडी हवा चली ओए रामा, ओए रामा, प्यार के खेल गले ओए रामा, ओए रामा, दे दे इसी बात पे तू एक चुम्मा, बातों से ना तू मुझको फंसा, मैं आज से चली ओए रामा, ओए रामा, प्यार की खिली खिली ओए रामा, ओए रामा। का अमृत मुझे पिला दे, पलकों में तू मुझे बसा ले, होठों से तुझको अमृत में पिला दे, पलकों में मैं तुझे बसा ले, प्यार ना हो कम ये कभी गोरी, टूटे ना प्यार की ये डोरी, देखा तुझे हाय मचल गया, दिल तेरा तो फिसल गया, तू एक चुम्मा, बातों से ना तू मुझको फंसा, ओ रामा, ओ रामा, ठंडी हवा चली ओ रामा, ओ रामा, प्यार की खिली खिली ओ रामा, ओ रामा। Thank you.
क्या करूं मैं मेरे रामा, प्यार ना हो कम ये कभी गोरी, दिल तेरा तो फिसल गया, देखा तुझे मचल गया, बातों से ना मुझको फंसा, दे दे इसी बात पे तू एक चुम्मा। चली ओए रामा, ओए रामा, प्यार की खेली काली, ओए रामा, ओए रामा, ठंडी हवा चली ओए रामा, प्यार की खेली काली, ओए रामा। यहाँ ऑटो ड्राइवर, वहाँ राजकोंडा लक्ष्मणा। ऑटो जाकर लॉरी को ठोकता है और लॉरी ने फिर ऑटो को ठोका। ऑटोमेटिकली लॉस तो ऑटो का होगा, क्या कहते हो? ये आप क्या कह रहे हैं सर? अरे मैं सीधे सीधे बता देता हूं, लक्ष्मण मर्डर केस की फाइल आई तो उसमें तुम्हारे बाप का नंबर था। हाँ, बताने से कोई फायदा नहीं। देखो, उससे झगड़ा करके तुम यहां रह नहीं पाओगे, समझे? इसीलिए मैं तुम्हारे भले की कह रहा हूं, केस विड्रॉ कर लो। सर देखो भाई, जो हो गया सो हो गया, तुम लोग जिंदा हो इसलिए आराम से जियो। खाकी वर्दी पहनकर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप इस तरह की बातें करते हैं सर? ये खाकी वर्दी पहनी है उसी के अनुभव से मैं तुम्हें बोल रहा हूं, उस लक्ष्मण को भूल जाओ। गुनहगारों को सजा मिलेगी, बेगुनाहों की रक्षा होगी। आपका डिपार्टमेंट इस तरह के स्टेटमेंट देता है, मगर हकीकत में आप लोग गुनहगारों की हिफाजत करते हैं। लक्ष्मण गुनहगार है ऐसा कोई भी पुलिस स्टेशन या कोर्ट ये साबित नहीं कर पाया, इसलिए लक्ष्मण तो हमारी नजर में बेगुनाह ही है। मेरी बात सुनो, मैं अपने अनुभव के आधार पर ही तुमसे कह रहा हूं, केस विड्रॉ करना अच्छा ही होगा। और तुम्हारे पिता को ऐसा ही ने समझाया भी, पर वो नहीं माने। ये केस क्लोज करने के लिए आपने कितनी रिश्वत ली है? ए मिस्टर, क्या बात कर रहे हो तुम? आपका एसआई भी ऐसा ही है, इस सवाल का सही जवाब उसने भी नहीं दिया। यू शट अप, डोंट शाउट। आप लोग पेपर में छपवाते हैं कि जनता की रक्षा के लिए आप अपनी जान भी दे सकते हैं, इसे अमल में लाना सीखिए। मैं अपनी समस्या खुद सुलझा लूंगा, वो मुझे अच्छी तरह आता है। आपकी मुफ्त की सलाह के लिए थैंक्स। मैं सच कह रहा हूँ सर, ये लक्ष्मण ने किया है। अरे भाई, आपका दिमाग खराब है क्या? लक्ष्मण कौन है जानते हो? वो शांति की मूरत है, उसने हत्या की है, ये तुम कैसे कह सकते हो? मैं नहीं मानता। नहीं सर, आप नहीं मानेंगे। आपकी तरह सच पे कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि आप जैसे लोग झूठ पर यकीन करते हैं और उसी का आप प्रचार भी करते हैं। खुद को जनता का प्रतिनिधि कहते हैं। देखो मिस्टर, बाप के मरने के गम में तुम किससे बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है। जानता हूं सर, मैं अच्छी तरह जानता हूं किससे बात कर रहा हूं, मैं होम मिनिस्टर से बात कर रहा हूं। देखो भाई, तुम्हारी मदद ना करने से मुझे सिर्फ 4 वोट नहीं मिलेंगे, और अगर मैंने लक्ष्मण की मदद नहीं की तो मेरा पद ही चला जाएगा, तो क्या सही लगता है? जब तक तुम्हारे जैसे नेता लाश पर भी वोट की राजनीति करेंगे, आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा। शट अप, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। इंस्पेक्टर, टेक दिस फेलो आउट, बाहर फेंक दो इसे। चलो। ए मंत्री, इंसाफ के लिए आए हुए लोगों के साथ तुम ऐसा बर्ताव करते हो क्या? तुम्हारी कुंडली को बदलने वाले वोटर के साथ ऐसा करते हो? जवाब दो मुझे, जवाब दो। अच्छा है तुम्हारा कानून, बहुत अच्छा है तुम्हारा इंसाफ। कानून और इंसाफ, नकली मुखौटे चढ़ाकर लोगों को धोखा देते हो तुम लोग, क्यों करते हो ऐसा? तुम और वो घटिया नेता उस गुंडे के गुलाम हैं, उसकी दी हुई रिश्वत खाने वाले गुलाम हो तुम लोग। थू! जनता की रक्षा करने वाली खाकी वर्दी दागदार कर रखी है तुमने, क्या इंसाफ मिलेगा? कर लो और मजे कर लो। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा जुल्म इस तरह के गरीब लोगों पर दिखाते हो, यही इंसाफ है तुम्हारा? जो भी इंसाफ मांगने आए उसे हथकड़ी पहना दो, और जो अन्याय और हत्या करते हैं उनके पैर चाटो, सलाम करो उसे। गुलाम हो तुम लोग, गुलाम उनके। ए इंस्पेक्टर, पूंछ हिलाते हुए उसके घर के सामने खड़े रहते हो, बिस्किट फेंकेगा तो तुम लोग खा लेते हो। वो तुम्हें गवर्नमेंट से जो मेडल दिलवाएगा उसे फ्रेम में सजा के दीवार पे लटकाना, लानत है तुम पर। हे! अरे रे 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 रे, नमस्ते, आप यहाँ कैसे सर जी? अगर खबर कर देते तो मैं ही आपके पास आ जाता। अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं विश्वासघाती नहीं हूँ। अगर आप नहीं होते तो मुझे पद और दौलत कैसे मिलता? सब आपकी कृपा है सर। अरे चल अब चुप भी हो जा,
मैंने तुझे नमस्ते नहीं किया, तेरे पद को किया। क्या कहा था मैंने? अगर खबर भेज देते तो मैं ही आपके पास आ जाता। जानता है, ये मैंने तेरे लिए नहीं कहा, तेरी कुर्सी के लिए कहा। मैं इतना भी नहीं जान सकता। अरे क्या तू हाक जानता है, पागल है तू? तुझे कोई यहाँ देखेगा तो मेरा बहुत नुकसान होगा। 7 करोड़ लोगों का होम मिनिस्टर लक्ष्मण के घर में आया, ये पेपर वालों को पता चला तो फ्रंट पेज पर तेरी तस्वीर की जगह मेरी तस्वीर होगी। अरे चुप हो जा, अपनी कुर्सी नहीं संभाल पाता, कैसा मिनिस्टर है तू? माफ कीजिए सर, आपका ओहदा मुझसे बड़ा है। अगर कोई मुसीबत मुझ पर आई हो, अगर उस कारण से आपको तकलीफ होगी तो ये देखकर मैं कैसे चुप रहूंगा? क्या क्या कहा, तकलीफ और मुझे? अरे कैसी बात कर रहा है तू? इस राजकोंडा लक्ष्मण के बाएं हाथ का बाल उखाड़ने के लिए भी ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने वाला चाहिए। सर आपने जिस राजशेखर की जान ली, उसका बेटा प्रशांत कोई मामूली आदमी नहीं है। उसकी स्पीड देखकर लग रहा है कि वो असेंबली में भी हड़कंप मचा देगा। स्पीड कम करने के लिए स्पीड ब्रेकर होता है, गर्मी कम करने के लिए आइस कूलर होता है। इस राजकोंडा लक्ष्मण से पंगा लेना कोई खेल नहीं है। इधर एक चुटकी बजाऊंगा तो उधर खोपड़ी उड़ जाएगी। अब जब आ ही गए हो तो अंदर जाओ और छाछ पी लो। ओके सर। जीजू जीजू, उस होम मिनिस्टर की बातें सुनकर तो लग रहा है कि आपको पक्का सेंट्रल जेल में चक्की पिसना पड़ेगा। आप सेंट्रल जेल में जाएंगे तो आपकी जिंदगी एकदम सेटल हो जाएगी जीजू। चुप रहे, ऐसी पनौती वाली बातें करेगा तो जान से मार दूंगा तुझे। चल जा। मैं तो अच्छी बात कर रहा था। क्या हुआ माँ जी, आप तो बहुत डरी हुई लग रही हैं। क्या रे, तुम लोगों ने कुछ कहा क्या? हाँ कहा ही होगा, हट बेवकूफ। अरे लक्ष्मण, राजकोंडा लक्ष्मण। हाँ हाँ, मैं आपको परेशान करने या हानि पहुंचाने यहाँ नहीं आया हूँ माँ जी, आपका उपकार करने के लिए आया हूँ। क्या है कि अपने पति को मरते हुए तूने अपनी आंखों से देखा है ना? अगर तू केस करेगी तो न्याय मिलेगा क्या? समझ में नहीं आ रहा है कि तेरा बेटा प्रशांत इतना लफड़ा क्यों कर रहा है। पुलिस ऑफिसर्स और मंत्रियों को भी वो चैन से सोने नहीं दे रहा है, और उसकी इस हरकत से हम और तुम दोनों परेशान हो रहे हैं। हम लोग अब पूरी तरह चैन से रहे, इसके लिए हम दोनों को मिलकर एक सही फैसला करना होगा, और इसके लिए भगवान ने सही रास्ता भी दिखा दिया है। एक छोटे से सफेद कागज पर आप साइन कर दीजिए ना माँ जी। अरे कुछ भी बोलो, शेखर जी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन बेचारे समय से पहले चले गए। अरे कागज दो भाई। माँ जी इस कागज पर साइन कर दो। क्या रे, ये साइन नहीं कर रही है इसीलिए? कहीं तुम लोग उदास तो नहीं हो ना? बेटी अब तुम्हें ही हमारी मदद करनी होगी। कागज पर अपनी प्यारी माँ से साइन ले लो ना। नहीं लोगी तो मैं तुम्हारा रेप करूंगा। अरे हट। मैंने तेरी माँ को प्यार से समझाया लेकिन वो नहीं मान रही है, तो अब मुझे यही करना पड़ेगा। एक बार बस। सब शांत हो जाओ। अरे देखो 10:30 बज गए हैं, राहुकाल टल गया, इसीलिए इस बुढ़िया ने साइन कर दी। अपना काम तो हो गया, अब चलो। बेटा, भैया, भैया, प्रशांत, अब हम इस शहर में नहीं रहेंगे। जिन लोगों ने तेरे पापा को मारा है उन्होंने ही घर की यह हालत की है। बेटा जो हुआ सो हुआ, तुम दोनों ही मेरे लिए काफी हो।
अब यहाँ से चलो, वो लोग इसे कुछ कर देंगे बेटा। मैं इसे अकेले घर में नहीं छोड़ सकती, अब ये खतरा हमेशा रहेगा, इसलिए चलो यहाँ से चलो। आए! ए, कौन है ये? पागल कुत्ते के जैसा क्यों भौंक रहा है? वक्त अच्छा है समझकर शेर के पास जाकर पपीदे पपीदे मुझे कहोगे तो वो चुप रहेगा, अगर उसके घर में आग लगाओगे ना तो इसी तरह दहाड़ता रहेगा। अरे क्या हो गया? फालतू बकवास करेगा तो मैं तेरा खून कर दूंगा। हे लक्ष्मण, नीचे आ! औरत के सामने अपनी मर्दानगी दिखाता है, नीचे आ! अरे रे रे रे, चूहे के बच्चों रुक जाओ, उसके फेस का ग्लैमर दिख रहा है, चेहरे पर आग 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 धधक रही है, इसीलिए गेट पार करके कंपाउंड में कदम रखकर सीधा का सीधा सिंहासन की तरफ सर 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 करके रॉकेट की तरफ बढ़ता चला आ रहा है और अपनी जांघ ठोक कर शेर के जैसा दहाड़ रहा है। तो ये फेस क्लास 4 फेस का परवाह नहीं करेगा, क्लास 1 से पंगा लेने वाला फेस है ये। आहा, इसका फेस तो बहुत ग्लैमर वाला है। ए लक्ष्मण, तेरे पास पैसों का अंबार है और किराए के गुंडे हैं तो ज्यादा बोल मत, मेरे पापा को तूने मारा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शांत हो जा भाई। लगता है तुझे अपनी ताकत दिखाने की बहुत इच्छा है। तुझे इस तरह शेर की तरह दहाड़ते देखकर मेरा दिल बॉक्सिंग मुकाबला करवाने का हो रहा है। अगर तू इसी तरह वहाँ दहाड़ेगा ना तो जानता है क्या होगा, तेरा शेप बदल जाएगा। ये राजकोंडा लक्ष्मण ने यहाँ एक बार चुटकी बजाता है तो वहाँ गोलकुंडा किला में आवाज सुनाई देती है। तेरी चुटकी की आवाज सुनकर चुप हो जाऊं? मैं इतना कमजोर नहीं हूं। और तुझे लगता है कि मैं तेरी ताकत देखकर डर जाऊंगा? तो सुन ले, मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। हाँ, सही याद दिलाया तूने। जिन्होंने मेरे हाथों से चूड़ियां पहनी, जिसने मेरी चप्पल साफ की, उन सबको मैंने गद्दी पर बिठा दिया कमीने। कांस्टेबल कनक सिंह से लेकर होम मिनिस्टर बालेश्वर तक को, जो सबकी बाजा बजाता था, मैंने उसे भी नचाया। अच्छा, वो तुम्हारे पिताजी का नाम क्या था? हाँ, राजशेखर। पेपर में जनता की समस्या और छोटी मोटी बातों को छाप कर पैर पर पैर चढ़ाकर शांति से जीने वाला इंसान था। फालतू में उसने राजकुंडा से पंगा ले लिया और भगवान के पास चला गया। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए तू एक अच्छी सी लड़की को सिलेक्ट कर ले, उसके साथ डुएट गाना गा और जिंदगी सेट कर। वो सब नहीं करके अगर तूने मुझसे पंगा लिया तो तेरा फ्यूज बदल जाएगा। फ्यूज मेरा नहीं, तेरा बदलेगा, तुमसे और तेरे इन गुंडों से ग्रुप डांस ब्रेक डांस करवाऊंगा, देख लेना। कैसा आदमी है यार तू? हाँ, मैंने तुझे डुएट गाना गाने के लिए कहा था ना, लेकिन तू तो ब्रेक डांस ट्विस्ट डांस करके नाच रहा था।
देख क्या हालत हो गई तेरी, बिना चुटकी बजाए ही तू यहाँ ऐसे लटक गया है। हे रंगा। जी भाई। इस इंसान को जमीन स्थानपुर के बाजू के कब्रिस्तान के इस तरफ या उस तरफ कहीं भी डालकर आ, कोई देखेगा तो इसे घर तक पहुंचा देगा। एक कोल्ड ड्रिंक देना। अरे अरे देखो देखो वो आदमी गिर गया। पुअर फेलो, मैं इसकी मदद करूं ऐसा इसका नसीब ही नहीं था। इसने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिलाया होगा। हाँ सही कहा, ये बिल्कुल लोमड़ी के जैसा लग रहा है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। मारो इसे, मारो इसे, मारो 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 और मारो मारो। गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे 10 दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। किस लिए? मेरी बहन की शादी है इसलिए। छुट्टी की क्या बात है डेविड। सर इसे 10,000 रुपए कैश दे दो। ओके सर। थैंक यू सर। कैसा है तुम्हारा दोस्त? उसकी हालत तो पहले से बेहतर है। क्या मैं अभी उससे मिल सकता हूँ? डेफिनेटली सर। हाउ आर यू माय बॉय? ये मेरे बॉस है मिस्टर अलेक्जेंडर। जब तुम बेहोशी की हालत में रोड पर पड़े थे तब इन्होंने ही तुम्हें बचाया था। थैंक यू सर। इसमें मेरा भी स्वार्थ है बेटा। तुमने तो मेरे बारे में सुना ही होगा। एक समय में माफिया की दुनिया में बहुत बड़ा राजा हुआ करता था। मेरे नाम से ये दुनिया थर थर कांपती थी। चाहे गुंडा हो चाहे नेता, हर कोई मेरे एक इशारे पर मेरे लिए काम किया करते थे। लेकिन एक रोज मेरे सामने साक्षात शनि के रूप में कोई मेरे सामने आया। नाम था राजा कोंडा लक्ष्मण। भिखारी की तरह हाथ फैलाकर उसने मुझसे काम मांगा। बातों में फंसाकर उसने मेरी पीठ पर वॉर किया। विशाखापट्टनम में मेरे साथ धोखेबाजी करके मेरे साम्राज्य को उसने अपना बना लिया। उस दिन से उसके लिए मेरे दिल में सिर्फ नफरत है, बदला है, उसकी बर्बादी है। अगर मैंने उसे एक बार में मार दिया तो उसके लिए वरदान और मेरे लिए श्राप होगा। उसे बर्बाद करके तड़पा तड़पा कर मारूंगा। उसे सड़क का भिखारी बनाकर उसे सबके सामने लाऊंगा। वो मेरा और तुम्हारा, हम दोनों का दुश्मन है। तुम्हारे पास ताकत है और मेरे पास आत्मविश्वास, मेरे सारे आदमी और मेरा पैसा। मिल जाए तो हम उसे पाताल में भेज सकते हैं। हाथ मिलाओ। मैं एक माफिया किंग हूं ये सोचकर मुझसे हाथ नहीं मिलाना चाहते हो तुम? देखो बेटा, लोहे को लोहे से ही काटते हैं। उसे बर्बाद करना ही मेरे जीवन का मकसद है, इसीलिए मैंने इतनी बड़ी गैंग बनाई है। जिस दिन मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा उस दिन स्मगलिंग में कमाया हुआ सारा पैसा गरीबों में बांट दूंगा, वो भी तुम्हारे हाथों से। सोच लो बेटा, सोच लो। बेटा प्रशांत। भैया प्रशांत, तू कहाँ चला गया था बेटा? तू इतने दिनों से नहीं आया। हमें तेरे बारे में सोच सोच कर बहुत डर लग रहा था, कहीं उस राक्षस ने तेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं किया। शुक्र है भगवान का, तू वापस घर सही सलामत आ गया। मेरे लिए यही काफी है। रो मत माँ, रो मत। मैं वापस आ गया हूँ ना, मेरे दोस्त ने मुझे एक बड़ी कंपनी में नौकरी दिलाने के लिए कहा, इसलिए मुझे अचानक शहर से बाहर जाना पड़ा। आज के बाद मुझे बताए बिना कहीं मत जाना बेटा। तेरे पापा के साथ जब से ये सब हुआ तब से मेरे दिल में बहुत घबराहट होती है। चलो जानो जानो। अरे तुम लोग इतने उदास क्यों हो? जानू आ गया है ना, बी हैप्पी।
शक्ल तो देखो कैसे बनाकर बैठा है। सासू माँ, इसके लिए कुछ खाने के लिए तो लेकर आओ। अरे हाँ, याद आया, इसके आने की खुशी में मैं सब भूल गई। सुनो रेखा, जाओ जाकर माँ की मदद करो, जाओ। चलो जाओ, जानू। जानू। जानू का मूड तो खराब लग रहा है। मेरी उधारी मैं बाद में वसूल कर लूंगी। थैंक यू। आपकी गैंग में शामिल हो रहा हूं आपके लिए नहीं, अपने लिए। नो, अपने लिए। कम ऑन, कम ऑन। देखो प्रशांत, माफिया की दुनिया में आने वाले हर एक इंसान के पास सिर्फ ताकत नहीं, दिल भी पत्थर का होना चाहिए। पहले वाला दिल मुझे मां बाप ने दिया था, दूसरा मेरी सोसाइटी ने बना दिया। आज के बाद मैं जो भी कदम उठाऊंगा उससे लक्ष्मण के दिल में डर पैदा होगा। उसकी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। इतना ही नहीं प्रशांत, हम उसकी पूरी जायदाद को लूट लेंगे, उसे बर्बाद करके उसके ही पैसों से हम उसका अंत करेंगे। इफ यू डोंट माइंड, तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। श्योर, बोलिए। फूल पेट में लक्ष्मण के गुंडे लोग गांजा की स्मगलिंग कर रहे हैं। मैं वहां जाकर उन पे अटैक करके उनके सामने से वो गांजा यहां लेकर आऊंगा। ओके प्रशांत, फूलों का एक हार तैयार करके रखता हूं, वापस आए तो तुम्हारे गले में डालूंगा और नहीं तो तुम्हारी तस्वीर पर। घबराइए मत, उस फूलों के हार को लक्ष्मण की फोटो पे डालने के लिए बचा कर रखिए। अपने प्लान के हिसाब से तुम अंदर जाओ और गांजे के बारे में बात करो। उन्हें 5 मिनट तक तुम्हें बातों में उलझा कर रखना है, बाकी का मैं संभालूंगा। भाई, कोई आया है? क्या चाहिए तुम्हें? आपके पास गांजा है क्या? ऑटो रुका ना, रुको रुको। जानू, 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 इतने दिनों तक कहाँ चले गए थे? तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गई थी मैं। और यहाँ क्या कर रहे हो तुम? एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नौकरी के लिए आया हूँ। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस? ये तो भूत बंगला लगता है। वो जो मेरा फ्रेंड जॉब दिलाने वाला है, जॉब तो पक्का है, पक्का है। देखो वो रहा मेरा फ्रेंड, देखो। वो, उसका चेहरा तो चोर के जैसा है, जरा देखो उसे, वो तो दिन में ही तारे गिन रहा है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पक्का मुझे नौकरी दिलाएगा। हाँ? उसके पास ऐसा जादू भी है। क्या बात है, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरी उधारी जल्दी वसूल करने के लिए वो कोई आइडिया देगा, मैं अभी जाकर उसे पूछ कर आती हूँ। मेरा इंटरव्यू है। मैडम चलिए ना। हाँ हाँ आ रही हूँ।
जानू मेरी उधारी चुका दो ना, मैं चली जाऊंगी। अरे मुझे नौकरी तो मिलने दो, मैं सब कुछ चुका दूंगा। तुम बिना उधारी चुकाने में कितना टाइम लगेगा, सिर्फ एक मिनट ना। देखो अभी तुम यहाँ से जाओ, पूनम की रात में 16 तारीख को जो भी मुझे देना है वो सब कुछ मैं तुम्हें ब्याज के साथ चुका दूंगा, ठीक है ना? अब तुम ऑटो में बैठो। सच में तुम बैठो तो मेरी उधारी भूलना मत। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। अबे तू हमें बेवकूफ बनाने आया है? तू कौन है हम जानते नहीं क्या? तू चक्रधर का आदमी है या नहीं, बोल। नहीं। अरे आओ आओ मेरे प्यारों आओ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी शेर या हाथी से लड़कर आ रहे हो, ऐसी हालत किसने की? हाँ बोल ना। मालिक अपना गांजा, अपना गांजा। एक से आवाज क्यों नहीं निकल रही, मुंह में अंडा रखा है क्या? अरे बोलो ना, जीजू का टाइम ही खराब है तो तुम क्या करोगे, इसीलिए तो मार खा कर आए हो। मुंह पर लात मारूंगा। मालिक चक्रधर का आदमी हमें मार मार कर हमारा गांजा लेकर चला गया। क्या बकवास कर रहा है चक्रधर, उसे तो मैंने बहुत पहले ही अपाहिज बना दिया था, अब तुम लोग आकर मुझे कहानी सुना रहे हो। बाप रे, जीजू उस चक्रधर को कम मत समझना, अगर वक्त खराब हो ना तो रस्सी भी नाक बनकर डसती है। हम सच कह रहे मालिक, वो चक्रधर का ही आदमी है। चक्रधर की इतनी हिम्मत? जीजू मैंने सुना है उसके पास अच्छे अच्छे लड़के ज्वाइन हुए हैं, तो आप भी ट्रेनिंग ले लीजिए ना। चुप हो जा। जवान लड़कों को साथ जोड़कर वो राजकुंडा से पंगा लेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। हे वो चक्रधर कहाँ रहता है, उसके पीछे कौन कौन है, सारी डिटेल्स कलेक्ट करो। ये राजकुंडा अगर यहाँ पर आग जलाएगा तो दिल्ली से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दौड़ते आएंगी। उस चक्रधर की औकात क्या है? जाओ। वाह, फंटास्टिक, मार्वेलस, अनबिलीवेबल, हार्टली कांग्रेचुलेशन माय बॉय। ये लक्ष्मण की पहली हार है, अब जिंदगी में उसकी कभी जीत नहीं होनी चाहिए। एक और बात प्रशांत, अपनी माफिया की दुनिया में अपने माँ बाप का दिया हुआ नाम भूल जाना। उस जमाने में चाहे राजा हो चाहे राजाओं का राजा हो, सब लोग ग्रीक चक्रधर अलेक्जेंडर के पीछे चलते थे। आज के बाद माफिया किंग्स, माफिया चक्रधर, ये सारे लोग तुम्हारे पीछे चलेंगे। या पर सबसे ज्यादा अलेक्जेंडर, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है उसे अपना बनाने के लिए हिम्मत, एकाग्रता और जिद सब कुछ तुम्हारे अंदर है, इसलिए आज के बाद तुम्हारा नाम होगा अलेक्जेंडर। पूनम की रात में 16 तारीख को मैंने तुमसे जो भी लिया है
उसे ब्याज सहित चुका दूंगा एक साथ। टिप टिप गिर रहा है पानी, टिप 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 टिप, बस में नहीं है आज जवानी, टिप 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 टिप, पानी में लगी है जैसे कोई आग, अब दिल पे नहीं काबू, दिल को संभाल जरा दिल को संभाल, ना होने दे इसे बेकाबू, टिप टिप गिर रहा है पानी, टिप 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 टिप, बस में नहीं है आज जवानी, टिप 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 टिप। होश ना हो जाऊं मैं, होश ना खो जाऊं, कैसे मैं कहूं क्या है मेरा हाल, अब खुद पे नहीं है जोर मेरा, जानू तेरा हाल जानू तेरी बात, तू तो है चित चोर बड़ा, सांसों में क्यों जलती है आग, कुछ दिन यूं ही जलने दो आग, टिप 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 टिप, गिर रहा है पानी, टिप 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 टिप, बस में नहीं है आज जवानी, टिप 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 टिप। बेताब है कब से बेकरार है, मैं भला क्या करूं, आए शर्म यू पास आओ ना, देखो यू तड़पाओ ना, जानू तेरा हाल जानू तेरी बात, तू तो है चित चोर बड़ा, कैसे मैं कहूं क्या है मेरा हाल, अब खुद पे नहीं है जोर मेरा, होता नहीं अब इंतजार, टिप 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 टिप, टिप गिर रहा है पानी, टिप 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 टिप, बस में नहीं है आज जवानी, टिप 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 टिप, पानी में लगी है जैसे कोई आग, अब दिल पे नहीं काबू, दिल को संभाल जरा दिल को संभाल, ना होने दे इसे बेकाबू, टिप टिप गिर रहा है पानी, टिप 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 टिप, बस में नहीं है आज जवानी, टिप 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 टिप। We'll be right back.
ये राजकोंडा लक्ष्मण जब ताली बजाता है तो पूर्णिमा की रात भी अमावस्या की रात हो जाती है। मेरे बारे में सब जानने के बाद भी वो चक्रधर इतना उड़ रहा है, अब उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ए गधो सुनो, उस चक्रधर के सीने से दिल निकालकर पकाकर मुझे चखने में दे देना। हर शुक्रवार को इस मंदिर में माँ दुर्गा की पूजा करता हूँ मैं। आज तुम भी मेरे साथ मंदिर में चलो। आप जाइए, मैं यहीं रुकता हूँ। ओह, तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा भगवान है। ठीक है। एलेक्सेंडर, उस लक्ष्मण ने पहले मुझे अपाहिज बना दिया और आज उसने मेरी जान ले ली। एलेक्सेंडर, उसे भिखारी बनाकर मेरे कदमों के नीचे लाने का तुमने वादा किया था ना, उससे वादा कर उसकी तस्वीर पे जल्दी हार चढ़ाएगा। एलेक्सेंडर, तू मेरा दोस्त है, मेरा बेटा है, मेरा वारिस है। तू पहले भी उसने मेरे से पंगा लिया था, लेकिन उस वक्त तो मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया था, और अब देखो दोबारा वो मुझसे पंगा ले रहा था। उसे लग रहा था कि वो मुझसे आगे निकल जाएगा। फिर क्या हो गया, उसकी सारी हीरोगिरी मैंने निकाल दी। फुल स्पीड में वो भाग रहा था, धमाल, मर गया वो। हे, उस चक्रधर की आत्मा की शांति के लिए हम लोग 2 मिनट का मौन धारण करते हैं। जीजू, 2 मिनट तो क्या, 2 दिन के लिए भी मौन व्रत रखेंगे ना तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। देखिए जीजू, अगर आपका टाइम अच्छा होने से स्टेज पर जाकर सबके सामने खड़े होकर मेरे प्यारे भाइयों बहनों ऐसा कहने से कोई तालियां बजाएगा तो क्या चप्पल से मारेंगे मुझे? कमीने साले, फालतू बकवास करेगा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। आप नहीं जानते जीजू, उस चक्रधर के साम्राज्य में एक नया लड़का चक्रधर बन गया है। अपने धंधे में लॉस उसी की वजह से हुआ है, और उसी का नाम अलेक्जेंडर है। अलेक्जेंडर हो या कोई भी हो, ऐसे जो भी नए लड़के आते हैं उसे तो हम अगर कुत्ते वाली बिस्किट खिलाएंगे तो पता है वो क्या करेगा, अपनी दुम हिलाते हुए मेरे पैरों के पास आ जाएगा। जीजू जीजू, अगर आप नहीं मारेंगे तो एक बात बताता हूँ। नहीं मारूंगा, चल बता। वो अलेक्जेंडर ना कोई मामूली आदमी नहीं है, इस हाथ से दस लोगों को पटक कर मारता है। आहा, वो जोर, वो स्पीड, वो स्टाइल, आहा, ओहो, आहा, क्या? कमीने, हमेशा फालतू बातें करता है। मार मार कर मेरे गाल मेरी पीठ पूरी सुजा दी है आपने। नहीं मारेंगे कहा था, फिर क्यों मारा आपने? एक बात बोलने को कहा और तू तो मेरे सामने पूरा हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। नाग अगर अपना फन उठाकर फुस करेगा और उसके सामने केंचुआ अपना सर उठाने की कोशिश करेगा तो नाग के सामने केंचुआ फुस हो जाता है। हमेशा फालतू बातें करता है, पागल हो गया है तू। अच्छा ठीक है, जाओ जाकर उस अलेक्जेंडर को ढूंढो, धरू लड़की पैसा उसे जो भी चाहिए दो और उसे अपने साथ ले लो। क्या जीजू, उसे पिंजरे में डालकर रखने के लिए उसे कोई तोता समझ रखा है क्या? वो शेर है, आपके हाथ में नहीं आने वाला, आपसे नहीं हो पाएगा।
कमीने, ऐसे क्वेश्चन मार्क फेस से क्यों देख रहा है? पता है ना मैं यमराज का बिग ब्रदर हूँ, यहाँ चुटकी बजाऊंगा तो वहां उसकी लाश उठ जाएगी। हे जी सर, अलेक्जेंडर को बोलो कि मैंने उसे बुलाया है। हेलो, ये आवाज तो मैंने कहीं सुनी है। साले जी, हाँ? एक काम करो, फ्लैशबैक में जाओ। जीजू, ये नहीं नहीं, ये सर ना उस जर्नलिस्ट का बेटा है। बाप रे, मेरा टाइम खराब है, मैं चलता हूँ। अरे रे 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 रे, तू वही है ना उस राजशेखर का बेटा? तू नहीं बे, आप बोल, आप अलेक्जेंडर जी, तमीज से बात कर, से अलेक्जेंडर सर, रास्कल, आप बोल, आप। आहा, चमड़ी पर रंग लगा लेने से बकरी शेर नहीं बन जाती है, नाम बदल लेने से शक्ति नहीं बढ़ जाती है। मिस्टर, चुपचाप मेरे साथ मिलकर काम कर, ना बोलकर इस राजकोंडा से पंगा लेगा तो तू जलकर भस्म हो जाएगा। पहाड़ों से और तुम जैसे लोगों से पंगा लेने की अलेक्जेंडर को जरूरत नहीं है। मैं अपने सिंहासन पर बैठे बैठे रिमोट दबाऊंगा तो पहाड़ डायनामाइट से उड़ जाएंगे, राजा कोंडा की जिंदगी खाक हो जाएगी। अलेक्जेंडर, याद है ना तुझे, एक दिन मेरे घर के सामने आकर ऐसे ही उड़ रहा था तू, लेकिन उस वक्त मैंने तुझे बेचारा समझकर जिंदा छोड़ दिया था ताकि कुछ करके अपने परिवार को संभाल लो। मगर आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि तुझे जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। गलती तूने नहीं, मैंने की है। मैंने जिस दिन मेरे पिता को मारा था, जिस दिन मेरी बहन पर हाथ डाला था, उसी दिन तुझे मार देना चाहिए था। हे, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरे कॉलर को भी छूने के लिए तुझे 1000 जन्म लेने पड़ेंगे, समझ गया तू? अगर मैं सिर्फ एक बार इशारा भी कर दूं तो ये तेरी चमड़ी उतारकर चप्पल बनाकर मुझे दे देंगे। तेरे इशारा करने से पहले तेरी जान ले सकता है ये अलेक्जेंडर, मगर मैं यहाँ तुझे मारने नहीं आया हूँ, बल्कि ये बताने आया हूँ कि कभी ना कभी तेरी दौलत को मैं तुझसे छीनने वाला हूँ। जो काम तेरा बाप अपनी जिंदगी में नहीं कर पाया वो तू क्या कर पाएगा? चैलेंज, लक्ष्मण चैलेंज, तुम्हारे फेंके हुए टुकड़े खाने वाले ये तुम्हारे पालतू गुंडे, तुम्हारे सामने सर झुकाकर सलाम करने वाली खाकी टोपी और खद्दर वाले, मैं उनकी तरह तुझसे डरने वाला नहीं। मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे पूरे साम्राज्य को शमशान बनाने तक अलेक्जेंडर चैन से नहीं रहेगा। hey! ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर, वो यहाँ से जिंदा जाएगा तभी मेरा कुछ कर पाएगा ना। अब देखता हूँ कौन चैन की नींद सोता है। अरे मुंह क्या देख रहे हो, मारो इसको। Hey! धोखेबाज कमीनो, मेरा नमक खाकर मेरे ही सामने मेरे दुश्मन को सैल्यूट कर रहे हो? देख लिया लक्ष्मण मेरा चमत्कार, थोड़ी देर पहले ये लोग तुम्हारे थे, अब मेरे हो गए। एक बात कहूं, शांति से जीने वाले प्रशांत को तुमने जला दिया, लेकिन उस आग ने मुझे जलाया नहीं, तपाकर और भी कुंदन बना दिया है इस अलेक्जेंडर को। टेक केयर। बाप रे बाप, इसका स्पीड देखकर तो लग रहा है महाभारत के अर्जुन अभिमन्यु दोनों को मिलाकर इसने अलेक्जेंडर का अवतार लिया है। सही में? हाँ। कमी है तेरी तो। अरे क्या हुआ? अरे अरे, अरे छोड़ो, हमेशा फालतू बातें करता है, जान से मार दूंगा, चल जा।
जाल में फंसाने वाला, पापी को जलाने वाला, शिव ने जब त्रिनेत्र खोला आया अलेक्जेंडर, ये है अलेक्जेंडर, ये है अलेक्जेंडर। जाल में फंसाने वाला, पापी को जलाने वाला, शिव ने जो त्रिनेत्र खोला आया अलेक्जेंडर, ये है अलेक्जेंडर, ये है अलेक्जेंडर। इसके तलवार से, सीने की आग से कोई ना बच पाएगा, दुश्मन ये जान ले, इसको पहचान ले, अब तो वो जल जाएगा। झोंका जो शांत था अब वो तूफान है, अब तो इन पापियों का मुश्किल में जान है, इसमें वो आग है पिघले चट्टान भी, कर देगा राख सबको इसका ज्वाला। देर इज नो जाल में फंसाने वाला, पापी को जलाने वाला, शिव ने जब त्रिनेत्र खोला आया से तारों को तोड़ दे, इसमें ही वो बात है, रहता है आग में, पता है आग में, इसकी अलग बात है। अस्तित्व में सांप जो छुप छुप कर बैठा है, अब तो ऐसे लोगों की खैर नहीं, करता आया है जो मजलूमों पे जुलूम, कर देगा राख सबको इसका ज्वाला। There is no blunder, he makes no blunder, ye hai Alexander। जाल में फंसाने वाला, पापी को जलाने वाला, शिव ने जब त्रिनेत्र खोला आया एलेक्स। यही है वो एमजी रोड वाला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इसे स्विस मार्केट भी कहते हैं। लक्ष्मण के सारे इलीगल धंधे यहीं पर हुआ करते हैं, उसके जितने भी धंधे हैं ना उनकी शुरुआत यहीं से होती है। अगर उसे खत्म करना है तो उसके धंधे की डिटेल जानना बहुत जरूरी है। बाप जी। जी सर। डिटेल पता करो। ओके सर। Thank you.
जगो। अपने कॉम्प्लेक्स में एलेक्स का आदमी आया है। कहाँ है? मार्केट में घूमने वाले उसके आदमी का हमने एक पैर तोड़ा तो उसने मेरे आदमी के दो पैर तोड़ दिए। हे अलेक्जेंडर, मुझसे पंगा लेना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। शेर के जबड़े में तू हाथ डालने की कोशिश कर रहा है, बहुत महंगा पड़ेगा। जीजू, आपकी बातें तो सर के ऊपर से जा रही है। मुझे तो लगता है वो अलेक्जेंडर आपको शेर बनकर खा ही जाएगा। तेरी तो हमेशा फालतू बातें करता है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे बाप रे, लगता है उस अलेक्जेंडर ने आपकी बातें सुन ली है। हेलो लक्ष्मण, राजकुंडा लक्ष्मण। हाँ क्या रे, ये तो क्या कह रहा, सच में? शाबाश, मुंबई के मस्तान को अपना थैंक्स कहना। तो देर किस बात की है, अब जल्दी से माल भेज दो। 16 तारीख को रात 10 बजे तक माल आ जाना चाहिए। हाँ
साले साहब। हाँ जीजू। मेरा ग्रह नक्षत्र बदल गया, किस्मत वाली देवी सीधे मेरे गोद में आकर बैठने वाली है, सर सर करके। अब तो मेरी जिंदगी सवर जाएगी। नारायण, मस्तान, वेंकट राव, सब सब आ जाओ। ये क्या जीजू, कुत्ता काटने के बाद लोग जैसे पेश आते, आप वैसे क्यों पेश आ रहे हैं? कुत्ता नहीं साले साहब, सियार, सियार के जैसा पेश आ रहा हूँ मैं। मुंबई से खुशखबरी आई है, 4 दिनों में 20 करोड़ मिलने वाले हैं। उसके बाद चंद्रमंडल में जाकर कुर्सी पर बैठने वाला है ये लक्ष्मण। आप चंद्रमंडल में जाकर बैठेंगे और हम यहाँ घंटा बजाते रहेंगे क्या? ऐसी बात कर रहे हो साले साहब? चंद्रमा के आसपास तारे घूमते रहता है ना, वैसे ही तुम लोग हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। आ जाओ, अरे आ जाओ, हमें 20 करोड़ मिलने वाले हैं, इसी खुशी में सब लोग मजे करो, खाओ पियो और ऐश करो। की बेटी हूँ मैं, नाम है कट्टा। आजा आजा,
जा ले जा दिल तू गोरी। कमिश्नर, मेरे फाउंडेशन को तू हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है, तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई है क्या? कमिश्नर की वर्दी भूलकर कमिश्नर का धंधा कर रहा है क्या? सर, आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चुप हो जा, ये राजकोंडा लक्ष्मण अपनी आंखें लाल करेगा ना तो नरक का दरवाजा खुल जाएगा, मुझसे नाटक मत कर। सर, आप कहना क्या चाहते हैं, सीधे सीधे बताइए ना। मुंबई से आ रहे मेरे माल को रेड करवा के तूने मेरे 20 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। नो 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 नो, रेड? मेरे आदेश के बिना यहाँ कोई रेड हो ही नहीं सकती, ऐसा तो हमारे डिपार्टमेंट से कोई न्यूज नहीं है। मतलब तूने रेड नहीं करवाया, तू झूठ बोल रहा है। मैं सच कह रहा हूँ सर, कहीं तो कुछ गड़बड़ है, सच कह रहा हूँ सर मैं। प्लीज आप दिमाग को ठंडा रखिए सर। सोचता हूँ कमिश्नर, शांति से इस लक्ष्मण को जिसने चोट पहुंचाई है उसके टुकड़े टुकड़े करके मैं गली के कुत्तों को खिला दूंगा। एक नहीं, दो नहीं, 20 करोड़ लेकर गया है तो ये पक्का उस एलेक्जेंडर का ही काम होगा। हाँ, करेक्ट है जीजू, डबल करेक्ट है। जब उसने आपको चैलेंज दिया था तभी मुझे शक हो गया था कि वो ना इंटरनेशनल खिलाड़ी है, आपके जैसा दाढ़ी नहीं है। हमेशा फालतू बातें करता है, जान से मार दूंगा। वो नहीं जानता उसने किससे पंगा लिया है, उसके जैसे इंसान को मैं मार्केट में चिल्लर फेंक के खरीद लेता हूँ। अब देखना मैं उसके पैर कैसे तोड़ता हूँ। उसकी माँ, बहन और होने वाली बीवी को उठा कर ले आओ। जब ये सारे लोग मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर होंगे तो जानते हो क्या होगा? एलेक्जेंडर क्या, उसका बाप भी मेरा गुलाम बन जाएगा। जाओ। अरे क्यों रे कमीनो, ऐसे मुंह लटका कर क्यों खड़े हो? इतना खाते हो तुम लोग, इसके बावजूद औरतों तक नहीं उठा पाए और अब यहाँ आकर कहानी सुना रहे हो। दिल तो करता है तुम सबको। सर, हमारे पहुँचने से पहले ही उससे वैन में लेकर भाग गया। चुप, प्लान तो मेरा था, फिर किसी और को कैसे पता चला, कोई कैसे ले जा सकता है? मुझे पता था जीजू, जब आप एक जवान लड़की को अपने कमरे में ले जाने की बात कर रहे थे तभी मुझे शक हो गया था कि आप में सुहागरात मनाने का योग नहीं है। हमेशा फालतू बातें करता है, जान से मार दूंगा। ये राजकोंडा लक्ष्मण जब यहाँ चुटकी बजाएगा तो जिसने भी किडनैप किया उसकी आत्मा पूरे शहर में चक्कर लगाकर घूमेगी। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, उसे किडनैप करने वाला बदमाश आखिर है कौन? एलेक्स, एलेक्स, तुम्हारी माँ, बहन और वाणी को ले जाकर अपने गेस्ट हाउस में छोड़ आया हूँ, एक बार जाके मिल लो। नहीं डेविड, अपनी माँ बहन को किडनैप करवाने वाला पापी हूँ मैं, रहने दो। एलेक्स, उन लोगों के भले के लिए ही तो तुमने ये सब किया है। ठीक कहा, लेकिन मैं ऐसा एलेक्जेंडर बन गया हूँ, ऐसा धंधा कर रहा हूँ, ये माँ को पता चला तो वो मुझे माफ नहीं करेगी। बस उस लक्ष्मण का अंत देखने तक ही मुझे ये लुका छुपी खेलनी पड़ेगी, माँ और बहन को थोड़ी तकलीफ देनी पड़ेगी, लेकिन उन्हें कोई परेशानी ना हो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। डोंट वरी, अब से उन तीनों का ख्याल मैं रखूंगा, वो लोग भी मेरे परिवार की तरह ही है। ओके, थैंक्स डेविड। अब वो वक्त आ गया है कि लक्ष्मण को उसका अंत दिखा दिया जाए, उससे सड़क पर लाने के लिए मुझे आखिरी दांव खेलना पड़ेगा। लक्ष्मण का काल आ चुका है।
अब उसको सपोर्ट करने वाले पुलिस वालों और नेताओं को खरीदना होगा। डेविड, जल्दी से जल्दी एक पार्टी अरेंज करो, कमिश्नर और मिनिस्टर को इनवाइट करो। जाल में फंसाने वाला, पापी को जलाने वाला, शिव ने जब त्रिनेत्र खोला, आया अलेक्जेंडर, ये है अलेक्जेंडर, ये है अलेक्जेंडर। जाल में फंसाने वाला, पापी को जलाने वाला, शिव ने जो त्रिनेत्र खोला, आया अलेक्जेंडर, कमिश्नर, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा स्विस मार्केट बंद करवा दिया। मेरे फेंके हुए बिस्किट खाते हो तुम और मुझ पर ही गुर्रा रहे हो। अपनी हद पार करने की कोशिश मत कर, तू तो अच्छी तरह जानता है राजकोंडा यहाँ चुटकी बजाएगा तो पूरे राज्य में कर्फ्यू लग जाएगा। लक्ष्मण, इज्जत देना और लेना दोनों सीखो। तुम्हारे स्विस मार्केट में इलीगल धंधा चल रहा है ऐसी हमें रिपोर्ट मिली, इसलिए हमने रेड किया। ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें भी अरेस्ट करना पड़ेगा हमें। कहीं तू पागल तो नहीं हो गया कमिश्नर? तेरे ऊपर किसी ने जादू कर दिया है क्या? मुझसे जुबान लड़ा रहा है तू? ऐ, सिर्फ एक फूंक मारूंगा ना, तू और तेरे पूरे डिपार्टमेंट को मेरे बंगले के दरवाजे पर पहरा देना पड़ेगा। ए, जो मुंह में आ रहा है तुम बके जा रहे हो। तुम घर में बैठे बैठे ताली बजाओगे या चुटकी बजाओगे वो तुम्हारी मर्जी। अगर तुमने हद पार किया तो मुझे तुम्हारे ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। इतने दिनों तक मैंने तुम्हारा नमक खाया, इसीलिए मैं तुम्हारे हाथों में हथकड़ी नहीं डाल रहा हूँ। गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट। हे, तूने मेरे सामने ऊंची आवाज में बात की, मतलब तूने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। ए कमिश्नर, तेरी ये खाकी वर्दी उतरवा कर देख लेना, तुझसे रोड पर भीख मंगवाऊंगा। मेरे कारण तू इस कुर्सी पर बैठा हुआ है और आज तू मेरी ही गर्दन पकड़ के धक्के देकर बाहर फेंक रहा है। अरे क्या हो गया है? उस अलेक्जेंडर ने तुम लोगों पर जादू कर दिया है और तुम लोग पागल हो गए हो। मेरा मार्केट बंद हो गया है और तुम लोग तमाशा देख रहे हो। अरे क्या हो गया तुम्हें? ए, तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? मैं तेरा मार्केट क्यों बंद करवाऊंगा? और ये है कौन, यहाँ पर क्या कर रहा है? हाँ, मेरा मार्केट बंद करवाने के बाद तुम यहाँ आराम से बैठकर मजे ले रहे हो? अरे धोखेबाज, नोट से ज्यादा सीट से ज्यादा मेरी नजर में इस लक्ष्मण का वैल्यू है, ऐसा तुमने कहा था ना? और अब क्या हुआ, अपनी बातों से पलट रहे हो? वहाँ पर कमिश्नर और यहाँ पर तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तेरा दिमाग सच में खराब है। इस तरह होम स्टे के घर में आकर हल्ला मचाएगा तो किसका नाम खराब होगा? मेरा ही नाम खराब होगा ना? ए सिक्योरिटी, बाहर फेंको इसे। मेरी बात सुनो, अगर मर्द का बच्चा है तो मेरी स्टील फैक्ट्री में आकर बचा ले, चैलेंज है। सीता माँ को जाल में फंसाए हुए रावण के जैसा, पंचाली की साड़ी पकड़े हुए उस दुशासन के जैसा, उस अलेक्जेंडर की जिंदगी में उंगली करके मैंने अपनी जिंदगी ऐसी कर ली है। नो नो, मेरी कहानी खत्म नहीं हो सकती है। ए, साले साहब, क्या हुआ? बहुत चिल्ला रहे थे ना? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा सोचकर पूंछ में आग लगा दी। अब क्या हुआ, पूरी लंका में आग लग गई आपकी। अलेक्जेंडर से पंगा मत लेना कहा था, बेकार में बर्बाद हो जाएंगे, रस्ते पर आ जाएंगे, जीजू कहा था ना मैंने। अरे साले, फालतू बात करेगा तो बस, हाथ उठाएंगे तो हाथ तोड़ दूंगा मैं। कौन कौन है तेरा साला? मेरी बहन के मरने के बाद काहे का रिश्ता? अगर ये राजकोंडा लक्ष्मण यहाँ चुटकी बजाएगा ना तो बाहर तो क्या, तेरे बाथरूम में भी जरा सा भी साउंड नहीं आएगा। बजा चुटकी, बजाना, बजा तेरी तो बजा। जब भी मौका मिला मुझे बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। हो गया,
तेरा टाइम खत्म हो गया, तेरा चैप्टर खत्म। अब बारी मेरी है। छह, तुझे मारना मतलब गली के कुत्ते को मारने के बराबर है। हे, तेरे जैसा धोखेबाज, 420 खतरनाक किलर, नीच इंसान पर हाथ उठाया तो ये मेरी तौहीन होगी। हे, अभी मेरा बॉस, फ्रेंड, पार्टनर सब अलेक्जेंडर है। तू जैसे हजारों लक्ष्मण से ज्यादा वो एक अलेक्जेंडर ही काफी है। चलता हूँ। हेलो लक्ष्मण, ये तुम्हारे दिल में घबराहट पैदा करने वाले अलेक्जेंडर की आवाज है। कैसा लगा मेरा शॉक ट्रीटमेंट? तेरा स्विस मार्केट, तेरा 20 करोड़ का बॉम्बे का माल, तेरा राज और पावर, सब के सब मिट्टी में मिल चुके हैं। कल परसों तक जो चुटकी बजाते ही तेरे सामने आकर खड़े हो जाते थे, कभी सर उठाकर बात नहीं करते थे, आज कोई भी नहीं है। अब तू अकेला हो गया है, सब तेरे पैसे से ही किया है लक्ष्मण, तेरी उंगली तेरी आंखों में ही घुसेड़ दी, मैंने तेरे लोग खरीद लिए। अब भी तू मेरे रहम पर जिंदा है, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो अपने गुनाह कबूल कर और खुद को कानून के हवाले कर दे। जिंदा रहेगा तो अंडे बेचकर भी अपनी जिंदगी गुजार लेगा। अलेक्जेंडर, इस राजकोंडा लक्ष्मण की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत है। चुटकी बजाऊंगा, आज तक तूने यही सुना ना, लेकिन आवाज तूने नहीं सुनी, आज सुनेगा। आपके दिए हुए इन पैसों से बहुत सारे अनाथ बच्चों की आने वाली जिंदगी में आपकी वजह से उजाला होगा। आपकी इस मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो अलेक्जेंडर, क्या हुआ? तेरे पूरे साम्राज्य में मैंने लाशें बिछा दी तो तू डर गया क्या? मेरे साम्राज्य को फिनिश करके, मेरे पॉलिटिकल लिंक को काट के मुझसे चैलेंज करेगा तू? बच्चा है तू,
तेरा एक चैलेंज है, मेरा डबल चैलेंज है। एए, अगर फिर तू ऐसे चिल्लाएगा तो मैं तुझे काट के फेंक दूंगा। कैसा लगा मेरा ट्रीटमेंट? अरे बच्चा सुन रहा है ना, आज पंचमी है, बहुत अच्छा दिन है, इसीलिए मैंने तेरे पूरे परिवार की मौत का मुहूर्त निकाला है। अगर मर्द का बच्चा है तो मेरी स्टील फैक्ट्री में आकर बचा ले, चैलेंज है। यू बास्टर्ड। चूहों को मारकर तू अपने आप को शेर समझ रहा है? ऐसा समझने की भूल नहीं करना। जरा वहां देख, स्वदेशी फाइटर के साथ एक विदेशी फाइटर जब फाइट करेगा तो स्वदेशी फाइटर की कहानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये जहाज से आया है, क्या करूं, तेरी मौत इसके हाथों लिखी है ना। What? Yes!
इन पत्थरों के साथ मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। अब पता तुझे कौन बचाने के लिए आता है? मैं ही अलेक्जेंडर, मुझे माफ कर दो, मैं अपने सारे गुनाह कबूल कर लूंगा, मुझे छोड़ दो अलेक्जेंडर। आरोपी राजा कोंडा लक्ष्मण ने अपने किए हुए गुनाहों को कबूल करके अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। ये अदालत उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है। होम मिनिस्टर बालेश्वर, कमिश्नर ऑफ पुलिस मधुचंद्रा लक्ष्मण के इलीगल धंधे में उसकी मदद करते थे। अपनी पावर और अपने पद का दुरुपयोग करने की वजह से उन लोगों को अदालत 3 साल की सजा सुनाती है। एक रिश्वतखोर को पकड़ने के लिए हमारे ऑफिसर जिस तरह की रिश्वतखोर की एक्टिंग करते हैं, वैसे ही प्रशांत ने अलेक्जेंडर का अवतार लेकर अपने पिता को मारने वाले को रंगे हाथ पकड़वा कर कानून की मदद की है। इस काम के लिए अदालत उन्हें सम्मानित करना चाहती है, मगर सरकार की अनुमति के बिना हम ऐसा काम नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें चेतावनी देकर अदालत उन्हें निर्दोष मानती है और रिहा करती है। कांग्रेचुलेशन जानू। थैंक यू। क्या अब तुम मुझसे शादी? क्यों, उसके साथ अन्याय कर रहा है, ये हार लेकर उसे पहना दे। देख क्या रहे हो, प्रोसीड। ये परमानेंटली मेरी उधारी चुका दो अब। अच्छा सच? आना, आओ, आ आओ। ठंडी हवा चली ओए रामा, प्यार के खेले गले ओए रामा। ठंडी हवा चली ओए रामा, ओए रामा। खेली गले दे, इसी बात पे तू एक चुम्मा।